नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रतापगढ़ की आन बान शान का प्रतीक बेला देवी का मंदिर जो है वहाँ पर आ गए हैं दर्शन करने। चलिए हम आपके साथ बेला माता का बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग शेयर कर रहे हैं और देखते हैं कि बेला देवी में कैसे दर्शन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं बेला माता का सबसे प्यारा सा भव्य सा गेट बना हुआ है और यहीं से प्रवेश किया जाता है। प्रवेश करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों बगल में बहुत ही प्यारी प्यारी क्यारियां बनाई गई हैं, जिसमें छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको मेन मंदिर की तरफ लिए चलते। तो आप देख सकते हैं हम मेन मंदिर के सीढ़ी तक आ चुके हैं। इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके मंदिर में प्रवेश करना है। तो आप देख सकते हैं हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और मंदिर में एक पुजारी जी खड़े हुए हैं। वहीं पर बेल्हा माता विराजमान है और वहां पर दर्शन किया जाता है। जो कुछ चढ़ावा चढ़ाना होता है वो पुजारी को दे दिया जाता है, पुजारी जी वहां पर चढ़ा देते हैं। तो यदि हम मंदिर की सुंदरता की बात करें तो मंदिर बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। मंदिर के दीवार में और फ्लोरिंग पर टाइल्स लगी हुई है। बहुत ही अच्छी मंदिर है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों, मेन मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के दाहिने तरफ सई नदी है, जहाँ पर गंगा जी बहती हैं और इसी किनारे पर ये बेला देवी का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, मेन मंदिर के दाहिने तरफ आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे मंदिर हैं, एक ये है और दूसरा ये मंदिर है। यहाँ पर भी लोग दर्शन करते हैं। और यदि हम नदी के घाट की सुंदरता की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया से रेलिंग लगाकर अच्छे कलर में पेंट किया गया और यहाँ पर भी टाइल्स लगी हुई है, साफ सफाई हुई हुई है। इस घाट पर लोग बैठकर फोटो खिंचवाते हैं और कुछ देर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और हाथ पैर धुलते हैं। तो चलिए अब हम मेन मंदिर के पीछे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो चलिए वहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, दुकानों पर यही सामान मिलता है जैसे सिंदूर बिंदी ये सब, और चाट पकौड़े भी मिलते हैं। सब लोग वहाँ पर जाकर नाश्ता पानी करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मंदिर के पीछे हवन कुंड है, यहाँ पर लोग हवन भी करते हैं। और इसके जस्ट सामने शौचालय बना हुआ है। शौचालय में अच्छी साफ सफाई रहती है। मंदिर के आरी बगल भी अच्छे से साफ सफाई रहती है। हवन कुंड के ठीक सामने एक हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, जहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। तो चलिए हम आपको हनुमान जी के मंदिर के पास लिए चलते हैं, यहाँ भी दर्शन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम हनुमान जी के मंदिर के पास आ चुके हैं। यहाँ हनुमान जी के मंदिर में भी बहुत अच्छे से टाइल्स लगी हुई है और बहुत ही अच्छी साफ सफाई की गई है। यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने एक पीपल का पेड़ है, जिसका सौंदर्यकरण बहुत ही अच्छे से किया गया है। बहुत ही अच्छे से टाइल्स वगैरह लगा करके अच्छा चबूतरा बनाया गया है। यहाँ पर धागा बांधा जाता है और परिक्रमा की जाती है। तो आप देख सकते हैं मेन मंदिर के पीछे एक नारियल तोड़ने के लिए जगह बनाई गई है, या जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें नारियल भी रहता है। नारियल को लाकर यहाँ पर फोड़ दिया जाता है और उसका जो पानी होता है यहाँ पर चढ़ा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं मेन मंदिर के ठीक सामने एक बहुत ही अच्छा सा और मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्ति लगाई गई है। यहाँ पर लोग अच्छे से दर्शन करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। तो यहाँ पर जितने श्रद्धालु आते हैं सभी लोग सभी मंदिर का अच्छे से दर्शन करते हैं और नाश्ता पानी करते हैं। उसके बाद मेन गेट से निकल करके चले जाते हैं अपने अपने घर। तो आप देख सकते हैं हमारा दर्शन यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब हम मेन गेट से निकलते हुए अपने घर के लिए रवाना होंगे। तो
तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो यदि आपको इस मंदिर का दर्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों यदि आप बेलहा देवी का दर्शन करने गए हैं या नहीं गए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कहां से हैं। यदि आप प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, आप इस मंदिर में गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यह मंदिर प्रतापगढ़ की आन बान शान बहुत ही भव्य मंदिर है। इसी बेलहा देवी के मंदिर से ही प्रतापगढ़ का पहले नाम बेलहा ही था, अब प्रतापगढ़।